हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सविता। आप सबको इंडियन ब्लॉगर सप्ताह चैनल में स्वागत है। आज मैं जामुन का काला खट्टा या जामुन का शरबत, जो भी आप इसका नाम दे सकते हैं, वो मैं बना रही हूँ। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और जामुन के तो बहुत फ़ायदे होते हैं। जामुन का पौधा सबसे पहले इंडिया में ही उगाया गया था और जामुन खा करके तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे पेट ख़राब हो जाता है। तो इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाकर मैं दिखा रही हूँ कि कैसे बना रही हूँ। रेसिपी अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट पक्का करिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। चलते हैं, इसे बनाते हैं। जामुन है, इसको अच्छे से मैं धो ली हूँ। ये आधा केजी जामुन है। एक फ्राई पैन ले लेंगे, इसमें इसे डाल देंगे। पानी है, इसमें पानी डाल दूंगी। 1.5 लीटर के बराबर पानी डाल रही हूँ। इसमें 1.5 लीटर पानी डाल दी हूँ। गैस ऑन करके इस पर इसको रख दी। ये नमक है, वाइट नमक है, 1 चम्मच से कम ही डालेंगे। 1 चम्मच ये रोस्टेड जीरा पाउडर है, इसे डाल देंगे। 1/2 चम्मच काला नमक। अब इसे बॉयल करेंगे, इसे चलाते रहेंगे। कम से कम इसे 20 मिनट तक पकाएंगे। ये चीनी है, 1 कटोरी चीनी इसमें डाल देंगे। अब इसे पकने देंगे। अब इसको करछी से ऐसे धीरे धीरे दबाएंगे। नहीं तो जो मैसर होता है उससे भी ऐसे आराम से। बीज को नहीं दबाएंगे, बीज नहीं टूटना चाहिए इसका। केवल ये पल्प निकलना चाहिए। कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। थोड़ी देर अभी और पकाएंगे, इसे बीज सारा साइड हो जाएगा। हल्का हल्का हल्के हाथों से बिल्कुल दबाएंगे। ऐसे ही अच्छे से इसको मैश कर ले रही हूँ। देखिए बीज पूरा अच्छे से अलग हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। ये हो गया है, ये ठंडा, हल्का ठंडा की हूँ, पूरा अच्छे से ठंडा नहीं की हूँ। एक कोई भी बर्तन ले लेंगे, उस पर स्टेनर को रख देंगे, उसी में इसे छानेंगे। ये भी उसी में डाल देंगे। देखिए बीज और ये अलग हो गया है। इसे मैसर से थोड़ा ऐसे दबा देंगे ताकि जो इसका जूस होगा वो निकल जाएगा। ये पूरे बीज निकल गए हैं। इसका बीज भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको सुखा करके इसका चूर्ण बना सकते हैं। ये शुगर में बहुत फ़ायदा करता है। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। देखिए बिल्कुल जामुनी कलर आया है। कलर कितना अच्छा आया है। जामुन है तो जामुनी कलर बिल्कुल अच्छे से आ गया है। अब जितना आपको खट्टा चाहिए उतना नींबू का रस डालेंगे, क्योंकि ये काला खट्टा है तो नींबू का रस तो चाहिए ही। इसमें नींबू ले लेंगे और गिलास के साइड में इसे लगा देंगे। और ये पीसी हुई चीनी है, इसमें थोड़ा सा ऐसे डिप कर देंगे। गिलास में पहले आइस डालेंगे। आइस डाल दी। नींबू का स्लाइस काटी हूँ, इसको डाल देंगे।
फिर ये पुदीने के पत्ते, इसके बाद इसे डालेंगे। टेस्टी और हेल्दी जूस बनकर के रेडी हो गया है पीने के लिए। ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए जामुन का कलक खट्टा रेडी हो गया है। ये रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल, जो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।